आधार पटना है और आधार बिहार में एक हफ्ते में सरकार बनते ही छट की छटा गई नहीं है। आतंक अपराध और इस तरीके का एक अराजकता पूरे बिहार में फैला है। आज उस चीजों को लेकर विशेष तौर पर आधारपुर की जो घटना है वो काफी विजय विदारक घटना है। आप अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे सर तो आप लोग भी जाके देखेंगे कि उस महिला के घर के साथ में, उस महिला के परिवार के सदस्यों के साथ में किस तरीके का दुर्व्यवहार, राम टोले में ले जाकर के दलित महादलित की बस्ती में ले जाकर के उसके मांग में जबरन सिंदूर भरा गया। ये कहीं ना कहीं कलयुग में दुर्योधन और कलयुग में द्रौपदी की प्रथा और कहानी को दोहराने का जो काम वहाँ के समाजवादी ताकतों ने किया है, आज उसका विरोध युवा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सभी सिपाही दरभंगा के मुख्यालय में खड़े होकर इसका विरोध करें। और साथ ही हम लोगों ने SSP साहब को एक ज्ञापन देने का भी विचार किया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ये मांग करेंगे कि उस महिला के घर को अविलंब सरकारी मद से मरम्मत कराया जाए, उसके परिवार को सुरक्षित दरभंगा से भागा हुआ है उसकी भी जान की सुरक्षा दी जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर आपके माध्यम से हम इस बात को नेशनल मीडिया के सदस्यों को कहना चाहते हैं कि जिला मुख्यालय से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर वहां पर कोई भी संज्ञान लेने नहीं दिया है जिला प्रशासन की तरफ से। और कहीं ना कहीं यह बात भावना भी वहाँ के लोगों में है कि वहाँ के जो DSP खाली है वो अपराधियों के संरक्षण, अपराधियों का संरक्षण और उनको समझने लेकर देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा घटना हुआ है, आम से लेकर के लोग वहाँ देश का, जिस प्रदेश का मुखिया हो, जिस प्रदेश का मुखिया लोकतंत्र की चोरी करके बैठा हो, उस देश का ब्यूरोक्रेट कैसा होगा, उस प्रदेश का ब्यूरोक्रेट कैसा होगा, यह बात साफ दिख रहा है। क्या बात, आगे आंदोलन की अगर आप मंडी यही मानेंगे तो आगे आंदोलन क्या किस रूप में ले जाएगा? निश्चित अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही धरना प्रदर्शन सड़क पर लेके मार्च, विरोध मार्च, कैंडल मार्च, मसाज, ये लगातार चलता रहेगा हम लोगों की तरफ से।